सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ हैं जी तारिक फतेह साहब, और सब आप जानते ही ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। सर आज दो तीन चीजें, एक तो एयर स्ट्राइक का सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने किया है तालिबान के ऊपर, उसको ये आप तो, किस ये तुम ये जहाज कहाँ से आ गए? वही मैं कह रही हूँ सर, सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही आए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये ना, उन्होंने तो ये कहा था हम जमीन देंगे नहीं, तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं, ये हो क्या रहा है? इन्होंने अमेरिका से कह दिया कि हम तुमसे झगड़ा कर लेंगे, कैसी बात करते हैं कि बच्चे 70 साल से उनका गुम खाया हमने, वो अमरीका सरकार का। हम तो पैदा होते के साथ ही चले गए थे अपना वो, नहीं जुब्बा उठा के कि माए बाप पैसे दे दो। 1947 में 50,000 $5 मिलियन मांगे थे और भेजा था निजाम दक्कन के फॉरेन मिनिस्टर को, तो अमेरिका ने $50,000 का चेक दे दिया था। उन्होंने कहा जाए माफ करना, अगले हफ्ते आना। तो भाई वो माई बाप है, पैदा किया वेस्टर्न साम्राज्य ने, उसका काम है, वो जो कहेगा वो करेगा। चीन का जो काम है चीन करेगा। ये तो वो आपके बादशाही मस्जिद के साथ वाला मोहल्ला है, जो चाहे पैसे लेके जाए वहां काम कर ले। दिस इज नॉट सम पीपल विद सम कैरेक्टर। ये आप किसी खुशफहमी में नहीं रहे कि उसने कह दिया तो ये हो गया। ये तो गाली देते हुए फिर मिठाई का डिब्बा ले आया इंडियन सोल्जर्स, तो उनके साथ खाने लग गए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बेशर्म सुबह शाम कह रहे हिंदू का हाथ का नहीं खाएंगे, उसके ग्लास का पानी नहीं पीना है। उन्हें कहा ये लो जी मुफ्त मिठाई मिल रही है, उन्होंने कहा जो खा लेंगे हम, वो तो ठीक, वो तो मुफ्त हो रहे हैं हम। सो दे हाउ कैन दे से कि अमेरिका का नहीं है? उनसे कह दिया होगा अमेरिकन को कि अरे भाई वो तो गलत बात कह दी, हमने ये थोड़ी मतलब था कि बनाने नहीं देंगे, आप आपको इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा मुल्क आपका है, जिस तरह आप लूटे वूटे, बस हमें दो चार पैसे दे दिया करें। तो सर आप क्या देख रहे हैं तालिबान को, इसका मतलब है अभी ये सब सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, तो आगे किस तरह से आप देख रहे हैं इस रीजन में क्या चीज होने जा रही है, और उसमें पाकिस्तान का और भारत का, इन सब का क्या रोल है अफगानिस्तान में? भारत को अगर थोड़ा सी रोल अपनी अदा करने का अंदाज होता तो आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते ना। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ऐसे लगती है जैसे नंबर 5 पे बैट्समैन जाता है ना, जब 4 आउट हो जाते हैं उसे कहते हैं भाई विकेट संभाल के रख, 5 दिन है टेस्ट मैच के। इंडिया वैसे ही खेलता है जैसे एज इफ इट इज ऑन द डिफेंसिव, ना कोई एक्शन आता है वहां उनके डिप्लोमेट से, ना कोई दे स्टैंड अप ऑन एनी इशू। आप करते रहिए जो वो इंटरनल पॉलिटिक्स, उनके इलेक्शन, उनका सब इतना बिजी रहते हैं कि दे डोंट लुक आउटसाइड बियॉन्ड द बॉर्डर। इंडिया ने तारीखी तौर पे कभी बाहर अपने बॉर्डर के देखा ही नहीं है, ना कभी किसी को इन्वेड किया है। पिछले मैं 5,000 साल की बात कर रहा हूं। ये इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनको 2-3 दिन बाद खबर पड़ती है कि ये हो गया इनके साथ। तालिबान अब जो हैं दे आर मैसेकरिंग पीपल, किलिंग द एलाइज ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज साइलेंटली सिटिंग देयर। मे बी कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, को फाइल खुल गई होगी, बट इट इज इट विल बी अ कैटास्ट्रोफी फॉर ऑल ऑफ अस। कि देखे ना जो चीज खत्म, मैंने बात भी की थी एक दफा कि 1970s में काबुल यूज्ड टू लुक लाइक अ यूरोपियन सिटी। मेरी वाइफ जा चुकी है 72 में वहां पे, एंड शी व्हेन शी केम बैक शी सेड इट वाज लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस, रोड्स, उसकी ट्रैफिक, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कान में उनके बालों में वो लाल रिबन बंधा हुआ है। इट वॉज अ डिसिप्लिन सिविलाइज प्लेस विच वी डिस्ट्रॉयड। भुट्टो साहब के जमाने से अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस शुरू हुई,
नूर मोहम्मद तराकी को मारा, हफीजुल्ला अमीन, बाबर करमाल, किस किस को नहीं आप कहेंगे, हमेशा इंटरफेयर करके तबाह किया है। एंड ऊपर वाले के यार अंधेर नहीं होती, थोड़ी देर हो जाएगी वो भी अल्लाह में ये कहेंगे भैया इसको बस करो, कहां जिन्ना साहब ने बना दिया जिन, अब वो वाकई जिन्ना से जिन हो गया, तो ना कोई लीडरशिप है ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लोग हैं, इट्स अ वेरी सैड अफेयर। तो सर पाकिस्तान से बार बार कहा जा रहा है कि ये अफगानिस्तान में जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी हमारे यहाँ की सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट चाह रही है, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन उधर से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने 71 के ताने मारे इनको कि ये हथियार छोड़कर आ गए थे। नहीं नहीं अमरुल्ला ने, वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत ही इनको पब्लिकली जलील किया कि अफगानिस्तान हैज नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन, आपको याद रखना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, अब बगैर लड़े हथियार डाल के आ जाते हैं। अफगानिस्तान में जब अमेरिका नहीं रह सका, रूस नहीं रह सका, ग्रीक्स नहीं रह सके, तो ये पाकिस्तान के घुस बैठिए जाके वहां बैठ जाएंगे जनरल लगा के पट्टी मेडल्स, इनके हाथ से इनका फ्रंटियर चला जाएगा, ये ड्यूरेंट लाइन खत्म हो जाएगी और ये अटक के उस पार तमाम इलाका जो पश्तों का है उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, यानी व्हाट इज द कनेक्शन, आपकी जबान उर्दू है जो पंजाबी वो भी शर्मिंदा उर्दू बोलते हैं, पश्तों की तो जबान नहीं है ये, उनकी हिस्ट्री देखिए पीटीएम से लेके खान अब्दुल गफार तक और उससे पहले देखिए, they are the last people to submit to the British anytime. Maharaja Ranjit Singh was the only Indian ruler who ever went to Afghanistan and captured Kabul. Iske alawa to aapko kuch milega hi nahi ki aapne pashtuno ko daba diya, ye kar diya, wo kar diya. Ab sirf PTM jo non-violent group hai uska dekhiye impact kya hai. Main yahan jo pashtun refugees hain Canada mein, main unka dekhta hu, they are very well educated, politically I think one of the most astute people, jinko pata hai what is politics and wo tribalism ke usme nahi phase hue, jaise Balochistan mein to thoda ye hai na contest ki aap kis tribe ke, ye wo Sindh mein Mahajaron ne aisa mixture kiya hai ki pata hi nahi chalta kaun kya hai, but the Pashtuns are very clear in who they are, what their history is and what their dream is. वो पाकिस्तान की ड्रीम से मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की सेल्फ हेटिंग उर्दू स्पीकिंग पंजाबी पंजाबी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ताल्लुक ही नहीं है उससे। तो ये लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत देखिए ना कि ये दो टू वैल्यू सिस्टम्स है दैट आर क्लैशिंग एंड उसका नेचुरल एंड विल बी दैट द पश्तूंस ऑफ पाकिस्तान विल से वी डोंट बिलोंग टू यू। सर आपको पता है पाशा खान और खान अब्दुल गफार खान साहब के नाम पे जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलने के लिए जा रहे हैं, उस पे आज एक हंगामा मचा हुआ है, वो कह रहे हैं जो केपीके के लोग हैं वो कह रहे हैं हम इनके सर्वर उड़ा देंगे अगर इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने अनाउंस किया कि हम इसका नाम बदल रहे हैं। कौन किसने अनाउंस किया ये पाशा खान के नाम से यूनिवर्सिटी है? गवर्नमेंट ने नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और यहाँ से वो मतलब बड़े सख्त वो लोग नाराज हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये नाम कैसे बदल सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे भी किया था ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे जो बना हुआ था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एक पोर्शन था उनके नाम पे, तो वो हटा दिया था, उनकी तस्वीरें हटा दी थी, उस पर ब्लैक पेंट से मुंह ऐसा कर दिया था कि नजर आए। तो अब इन्होंने जब ये अनाउंस किया, ये मैंने आज ही न्यूज देखी है, ये बिल्कुल मौजूद है ट्विटर पे और वहां के कई जो लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं काफी इफ्तिखार साहब वगैरह जिनके नहीं बेटे को भी मारा गया था बिल्कुल, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो अगर इनको बीमारी के नाम बदलने की, ये देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान के पंजाबी है, मतलब 250 मिलियन में से 150 मिलियन तो है ना पंजाबी, देयर इज नो वन अमंग देम हु टेक्स प्राइड के वो कौन है, वो एक्टिंग करके बुरी उर्दू बोल के हंसी अपना मजाक उड़वा के लगे हुए हैं कि हम
हमारी माँ बोली नहीं है, हम पता नहीं कहाँ से सिविलाइज लोग लखनऊ से आए थे या बस गए. दिस इज ट्रूली देयर क्राइसिस, अ पैक्सन क्राइसिस, कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो अपने आप से नफरत करती है, अपने बच्चों से, अपनी बोली से, अपनी जमीन से, और फिर उनको चिट चढ़ती है कि पश्तून क्यों अपनी जमीन से प्यार करता है. आप गफ्फार खान की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान रिफ्यूज टू चेंज द नेम ऑफ NWFP. बर्तानिया के जमाने में नीफा होती थी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो वहां आसाम वगैरह में, और यहां NWFP थी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. फ्रॉम द टाइम ऑफ जिना टू भुट्टो टू एवरीवन, दे रिफ्यूज्ड टू कॉल दिस प्लेस पख्तूनिस्तान और यू नो जो भी पख्तूनख्वा नाम था, जो भी था. ये भी जाके एंड में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उन्होंने कहा खैबर पहले डालिए आप, कहीं लफ्ज पख्तून ना निकल जाए. पख्तून दे डिलिबरेटली, एंड दिस वॉज अ कॉम्प्रोमाइज. ये 47 से इनकी डिमांड थी, जब डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने जिना साहब ने डिसमिस कर दी, दबाओ यहां से निकल जाओ. आपको पता पहला मैसेकर पाकिस्तान में बारबरा में हुआ, 600-700 पश्तूनों को भुट्टो साहब, भुट्टो कह रहा हूं, जिना साहब, वो एक ही बात है, दोनों एक ही जैसे थे, ऑर्डिनेंस पास किया, फ्रंटियर ऑर्डिनेंस, जिसके तहत 700 खुदाई खिदमतगार, जिनकी पूरी मूवमेंट नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी, वो मैसेकर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड बारबरा. किसी पाकिस्तानी को पता ही नहीं, उन्होंने कहा वो मर गए पठान से, मर गए, मार देता. दिस इज अ क्राइसिस दैट विल लीड टू द डिसमेंबरमेंट. बलूचिस्तान की खाना जंगी छोड़ दीजिए, ये तो नेचुरल डिविजन है कि जो ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज ने बनाई, आप कहते हैं कि ये हमारा बाप था. नो पश्तून रिकग्नाइजेस द ड्यूरेंट लाइन, नीदर ऑन पाकिस्तानी साइड. वो और बात है जो पश्तून जनरल बन जाते हैं कप्तान, वो कॉपी कैट पंजाबियों में शादियां करके कि ताकि उनका स्टेटस बढ़ जाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट नो वन हैज एवर रिकग्नाइज्ड दैट, एंड नोबडी इन पाकिस्तान नोज अबाउट इट, कि ड्यूरेंट लाइन क्या है. ड्यूरेंट भी नहीं पता होगा कि ड्यूरेंट कौन था. तो ये तो आपकी अपनी कोताही है ना. एंड तालिबान विल अनस्क्रू एवरीथिंग, बिकॉज दीज आर नॉट द फनेटिक तालिबान, दीज आर द करप्ट वंस. इनको इंटरनेशनल ट्रेड का पता है, चीन को बेवकूफ कैसे बनाना है, किसको कहां करना है. इनका वो जो तालिबान का तो कुछ इस्लाम से ताल्लुक था, इनका ताल्लुक है गुंडागर्दी से. वो कंदहार में वाकई समझे थे कि एक इस्लामिक रियासत बनाएंगे वहां पे, इनको तो पता है रियासत रियासत नहीं है. ये तो कह रहे हैं कि 15 साल से बड़ी लड़की और 45 ईयर से कम उम्र की बेवा, वो भेज दो हमें, हमारे वो जो सिपाही हैं उनके लिए औरतें भेजो. तो सर यहाँ पे मैं जो हमेशा कहती रहती हूँ कि जो लोग हैं वो तालिबान जहनियत के ही हैं, मेजॉरिटी जो है 70% उनकी मेंटालिटी जो है वो तालिबान वाली. आप अगर सिर्फ सिर्फ जुलाई के मंथ की आप न्यूज उठा के देख लें, किसी औरत को जो है वो मार देंगे जायदाद में हिस्सा मांगने पे, किसी को मार देंगे कि ये अपनी मर्जी से क्यों रहना चाहती है, और जो आराम से घर में रह रही है उसको भी मार दिया. और अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से मारा है वो एक लड़की को जो F7 में इस्लामाबाद के केस में, तो ये सब तालिबान ही करते हैं ना कि गर्दन उड़ा दी और फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ. लेट मी शेयर विद यू द ट्रूथ. आपको शरिया के मुताबिक इजाजत है पिटाई करने की बीवी की. अच्छा, मौलाना हजरत कहते हैं वो उसमें है कि हल्के से टूथपिक जैसी लकड़ी से मारें आप बीवी को. हाँ, झगड़े के अंदर ही आ जाएगा, अरे बीवी जरा लकड़ी छोटी सी काट के लाना, मैंने तेरी पिटाई करनी. वंस यू आर एक्सेप्टिंग द बीटिंग ऑफ विमेन एज पार्ट ऑफ योर थियोलॉजी, तो देन यू वो टॉकिंग एज ए वो गाय बकरी है. यहां खदीजा नहीं है कोई भी पाकिस्तान में के जिसके जो जो प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है. ये सब वो हैं जो उमय्यदों की पीछे लगे हुए हैं कि एक एक दो तीन चार और जो तुम्हारे सीधे हाथ में आए, यानी जहां लड़की मिले उठा लो. दिस इज परमिटेड अंडर शरिया लॉ.
कि जो जिहाद पे है वो किसी भी लड़की को उठा सकता है। माले गनीमत में आती है ना, और बचती भी हैं, उनका परसेंटेज भी होता है, स्टेट कितना लेगा तुम कितने रखोगे, ये कहीं कुरान वुरान में नहीं लिखा, ये बनाया गया। इसीलिए वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कहता है सही बात है कि 250 साल बाद आपने लिख दिया और मुझसे कह रहे हैं कि कानून में लेके आओ, यू नो अकल से पैदल लोग फिर कहते इस्लामोफोबिया। देखिए ना इस्लामोफोबिया तो किसी नॉन मुस्लिम को तो मुस्लिम फोबिया वर्ड इज अ बेटर वर्ड कहेगा ना, पता नहीं क्या वहां से लोग आ गए यार, यू नो वी आर टेरेबल। और ये सब औरतें हमारे बच्चों की माएं होती हैं, फर्स्ट नरिशमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बाय अ वुमन हु इज ऑलवेज स्केयर्ड। सर एक चीज मुझे और बताइएगा, कहीं दुनिया में, क्योंकि मुझे पता नहीं, कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मार डाला और खानदान को पैसे दिए और कहा चलो माफी हो गई, ऐसा कहीं होता है? इस्लामिक दुनिया में है, ये है इस्लामिक लॉ है, वो आपका CIA का नहीं बंदा रिलीज करना पड़ा था, उसने फैमिली को दे दिए थे पैसे अमेरिकन। ये तो बहुत गलत है, आप कह रही टीवी के ऊपर, आप सोच के कहिए, दिस इज अ फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लामिक शरिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि शरिया सियासत और मजहब का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। आप कुछ आपको ज्यादा अगर मजहबी वो है, जाइए पूजा करिए, जाके मस्जिद में बैठिए, किसी का गंद साफ कीजिए, कहीं जाके बगैर तमाशा किए लोगों को खाना वाना खिलाइए। गुरबत के सारे मुल्क भरे पड़े हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए कोई मौके कम है? जहां देखेंगे जरूरतमंद लोग है, बांटिए अपनी ज़कात, 2.5% ऑफ योर कैपिटल एनुअली इज अ लार्ज अमाउंट, आई कैन बेट यू कोई नहीं देता। तो मतलब ये ऐसा कैपिटल गेन्स टैक्स है कि आपके यहां हो ही नहीं सकती। अगर एक स्टेट वेल्थ टैक्स लगा दे, वेल्थ टैक्स इज अ बिग अमाउंट, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, दिस इज अबाउट व्हाट यू अक्यूमुलेट ओवर द इयर्स, 2.5%। आपको पता है सर, अगर आप चेक करें ना पाकिस्तान में, आपको 90% शिया पॉपुलेशन मिलेगी। बैंक में सब ने अपने आप को शिया लिखाया है। आई नो, वो उन पे लाजिम नहीं है ना, उन पे लाजिम नहीं है, एफिडेविट जमा करा देते हम शिया खत्म कर दी, वो कटता नहीं। और वो जो कटता था भुट्टो साहब के जमाने में, वो कहां जाता था पैसा? दैट वाज गोइंग स्ट्रेट टू द मॉस्क माफिया। आपकी शक्ल खराब होनी चाहिए मुसलमान माना जाए, वरना अगर आप नॉर्मल लुकिंग है कहेंगे ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। यू हैव टू लुक स्टूपिड एंड डू स्टूपिड थिंग्स टू बी कॉल्ड जेन्युइन मुस्लिम। आप पीछे कहेंगे ये क्या, पीछे देखो वो लगाया हुआ फूल पत्ती है, तो पता नहीं किताबें रखी हुई, कैसी लड़की है, यू नो इट इज नॉट कंसिडर्ड वर्थ वाइल टू रीड एनीथिंग। पाकिस्तान में 500 कॉपी बिकती तो बेस्ट सेलर होता है, 250 मिलियन की आबादी में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आज बड़ी अच्छी एक पिक्चर मैंने देखी ट्विटर पे, शायद मैं आपको भेजूंगी, उसमें एक कबाड़ी बैठ के किताबें तोल रहा है ना, जो पाकिस्तान में होता है, किताबें खरीदते हैं, उन्होंने लिखा आपके अल्फाज जो हैं वो कचरा है अगर सामने वाला कबाड़ी हो, तो वो वाली बात है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है। किताबें कौन खरीदता है? ये वो आंटियां जो अपने पर्दों को, टेपिस्ट्री को इसको मिलाती हैं, फिर इंटीरियर डेकोरेटिव कहते हैं कि मिसेस सिद्दीकी इसके अंदर ये ज्यादा अच्छा लगेगा, कहीं से ऑरेंज बैग की ले आइए आप। बोले मैंने कहा तो है, वो मिल नहीं रही है आजकल। और यहाँ जो ना वो आपने देखा होगा कई इस्लामिक बुक्स में द बैक टाइटल इज रिटन ओवर 10 volumes, विच मीन्स इफ यू टेक वन आउट इट कांट बी रेड, इट इज ओनली देयर फॉर डिस्प्ले, बिकॉज एज सून एज यू टेक वन आउट इट्स गॉन। 25-25 वॉल्यूम खरीदे जा रहे हैं, पर्दों के साथ मैच किए जा रहे हैं, सोफे करेंगे ऐसा, किताब करेंगे ऐसा, 400 रुपए किलो है या समथिंग रेट जा रहा है आजकल, तोल के बेच रहे किताबें, खुदा का खौफ करे, अरे किसी लाइब्रेरी में दे दो डोनेट, ये बेचने वाले कौन है? और किताबें तो बार बार पढ़ी जाती हैं। हाँ तो मैंने अपनी लाइब्रेरी में दे दो, लोकल स्कूल में दे दो,
मैं आपको बताऊं कि मेरी जो बुक्स की सेल्स हैं इंडिया में, वो मैं रॉयल्टी लेता ही नहीं हूँ। उस रॉयल्टी का वो किताब के पैसे किसी स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स भेज दी जाती हैं। मैं मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू थिंक। लिख 1 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स जाती हैं जिसके अंदर से 1 किताब पढ़ी जा छपती है, ये रेशियो है। आपके यहाँ हर कोई खुद किताब छाप रहा है, 200-300 पेज की लिख के अपने बारे में, अब तस्वीर फ्रंट पे होती है, जिसको छाप के वो कनाडा में ला के फिर रेडी पे बेच रहे होते हैं। यहाँ डिनर महफिल नहीं होता, ये जो लाल मुर्गी और बिरयानी और वो गोल मेज उस पर चादर चढ़ाई हुई, वहां एक आदमी आपको जरूर मिलेगा कि मैंने किताब लिखी है सर प्लीज। पाकिस्तान में तो हर किसी ने किताब लिखी है, मैं हैरानी हो जाती हूँ लोगों को देख के, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही रह गई हूँ, मैंने किताब नहीं लिखी अभी तक। लेकिन मुझे एक बात याद रखिए, यू कैन ओनली बी ऑथर इफ यू डोंट पब्लिश दैट बुक। इफ यू आर अनवर्दी ऑफ बीइंग पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर, आपके वैनगार्ड पब्लिशिंग है ये वो, अपना मैन्युस्क्रिप्ट उनको देखें, वो एडिटर करा, ये खुद अपनी तस्वीर पे, आप रहम खान की किताब देख लीजिए, उसका टाइटल ही रहम है, रहम खान, उसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है कुछ और, उसकी फोटो है और उसका नाम है। हाउ कैन योर ऑथर्स नेम बी द टाइटल ऑफ द बुक? तो वी हैव माइल्स टू गो, क्योंकि हम कभी रुकते भी नहीं है ये सोचने के लिए कि वी मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई ऑनर है कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट हमारे उससे ज्यादा है? यानी हमारे आईएसआई के चीफ जिन्होंने एएस दलत साहब के साथ बुक लिखी है, वो मेरे इंटरव्यू में कहने लगे बुक को दोबारा कौन पढ़ता है। अब मैंने कहा है ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि बुक को दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता। मैं तो बहुत सी बुक्स ऐसे हैं जिसे बार बार पढ़ती हूँ और उतना ही मजा आता है जैसे फर्स्ट टाइम। मैं एक किताब बता दूं बर्टन रसेल की है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, वो मैं हर मुसलमान को रेकमेंड करता हूँ कि हर 5 साल के बाद उस पर रिफ्रेशर कोर्स करें, आपका दिमाग जरा सही आए। ये जादूगरों पे बिलीव कर लेते हैं, ये कर लो तो वो टूना कर लो, इससे ये हो जाता है, नजला साफ हो जाता है, ये दम पढ़ लो, ये गले में टांग लो, कहां से ले आएगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, बेचारी छोटी छोटी ताबीजें इधर से उधर घूम रही हैं। ये हमारे खान, मुझे पाकिस्तान में डॉक्टर कह रहा है ये ताबीज आप लें, नजला आपको हुआ हुआ, हमारे खानदान में कई साल से चल रहा है, ये कई पुश्तों से कहते हैं ना भाई, पुश्तों से ये ताबीज जो है ना इसको डाल दीजिए सुबह, निहार मुंह पता नहीं कुछ कहते पी जाना। अरे और मैं बताऊं आपको, डॉक्टर साहब वहां से ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सारे इसी पे ऊपर बिलीव करके बैठे हुए, डॉक्टर बेचारे की क्लिनिक चलती नहीं होगी उसने ये काम। मेरे ख्याल उनको पीर साहब बना दिया होगा, बट शॉकिंग टू मी, मैं बड़े 17 साल बाद गया था पाकिस्तान 2006 में वो भी, एंड डॉक्टर मुझे कह रहा है कि तावीज को पानी में डुबो के रखिए, रात भर रखिए, सुबह पी। सर डॉक्टर खैर क्या करें, मुसीबतें तो हैं, उसका रास्ता भी निकलते हैं, बट यू कैन नॉट प्रोग्रेस व्हेन यू आर वर्स देन द तालिबान। आप अपने आप औरतों की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं जो यू नो जो आपके पार्लियामेंट में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। बड़ी लड़ाइयां देखी है मैंने, कभी ये नहीं देखा इटली की पार्लियामेंट में किसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेंका। और सर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जब बिल आ रहे थे वो कोई मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं नहीं ये पास नहीं होने देंगे, और यहाँ पे धड़ाधड़ इस तरह के केसेस रोज के हिसाब से केसेस आ रहे हैं सामने। बट दैट इज बिकॉज योर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो लॉज कैन बी मेड दैट गो अगेंस्ट शरिया। शरिया उन्होंने खुद बनाई हुई है, नहीं शरिया परमिट, शरिया परमिट्स बीटिंग ऑफ वाइव्स, ये रियलिटी है, इसको फेस करके। इसीलिए बेसिक नोशन ये है कि स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मॉडर्न अंटिल एंड अनलेस रिलीजन इज टेकन अवे फ्रॉम देम। जब आप की सियासत और सिविल लाइफ से मजहब हटेगा यू विल प्रोग्रेस। अब यूरोप में देखिए जो कैथोलिक कंट्रीज हैं दे आर एट द बॉटम ऑफ द स्केल, जो प्रोटेस्टेंट हैं नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन इंग्लैंड है या जर्मनी है जहाँ प्रोटेस्टेंट थे, दे आर फार अहेड ऑफ देयर मोर रिलीजियस पोप लोकेटेड
आप हर जगह आपको मिलेगा कि जहां पे भी रिलीजन ऊपर गया है वहां वो सोसाइटी प्रोग्रेस करना बंद कर देती है, बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन मैजिकल थिंग्स. यू नो, आप कैसे कहेंगे कि आप बुराक में नहीं बिलीव करते, घोड़ा आसमान में नहीं उड़ सकता, ये आप कहके तो अभी, अभी अभी आपने नहीं देखा वो गरीदा फारूकी जो हमारी एंकर है, उन्होंने कह दिया कि इतने जानवर नहीं काटने चाहिए बकरीद पे, सब उसके पीछे पड़ के ट्रेंड चला दिया गरीदा के ऊपर बेचारी पे. ये कि बकरा काट कट जिबा कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, और वो जो गोलियां चला रहे थे, देखिए और बच्चों को आगे कह रहे, मौलाना साहब ने कहा कि बच्चों से जिबा खुद करवाओ. और वो कौन होस्ट आपके, वन ऑफ द मोस्ट खबरनाक जो प्रोग्राम था, उनके होस्ट कह रहे हैं कि खुद हाथ से गले काटना सीखो, जब दुश्मन से लड़ने की बात आएगी तो उस वक्त तो कहोगे कि मुझे गला काटना नहीं आता. एंड पीपल आर प्रेजिंग हिम. और ये वहां के आपके सुना बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कह रहे हैं कि गर्दन काटना खुद सीखो, छुरी मारना. कमाल है. हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई अपनी रिश्वत तोड़ो, आईफोन स्मैश करो, अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है अपना टीवी तोड़ दो. बोला आज बकरा इधर हॉकी स्टिक पकड़ धड़ास करके 100 इंच के जो नया आंटी टीवी लेके आई थी तोड़ दो, बोले फिर से शुरू करेंगे वो जो 12 इंच का आता था बड़ा सा डिब्बे जैसा टीवी. पता नहीं बच्चों के सामने कैसे करते हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती. ये करते हैं, हमने तो खुद देखा बेटा. मैं बहुत छोटी सी थी कराची में, बहुत छोटी थी, मैं घर से निकल गई थी तो उधर ऊंट को चारी लोग काट रहे थे, कोई जो थे मोहल्ले में, तो उन्होंने सिर्फ उसको गिराया है और मुझे चक्कर आ गया. उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे उठा के घर लाया गया कि बेहोश हो गई है वहां पे, देखकर जो उसकी गर्दन से खून निकला वो देख के मुझे चक्कर आ गए. लोग कैसे करते हैं आप सोचिए कि दिस वॉज नेवर अ ट्रेडिशन ऊंट का. ये अपने आप को एलिवेट करने का है. ऊंट को मारने से एक तो ज्यादा लोग इकट्ठे होकर उनका पैसा लगता, फिर ये कहते देखो भाई अरब बन गए हम तो आदमी, फिर अरबी ड्रेस पहन के आते ना बड़े अजीब से, सर पे तौलिया वौलिया बांध बूंद के, वो कहते हैं कि ये देखो ऊंट मार दिया. मैंने ऊंट क्लिप्स देखे, वीडियो, ऊंट की गर्दन में छुरी खोपने वो स्पीयर डाल के ऊंट भाग गया. गन मशीन गन लेके आओगे कल तुम, शेर को करो ना जरा जिबा, फिर देखते बकरी को जिबा. खुदा के वास्ते इतना बड़ा बहादुर हो, इतने बड़े कुर्बानी देनी हो, जाओ ये बदबख्त उसमें भी चले जाएंगे, शेरों को भी मारने लग जाएंगे, बिलीव मी. बिकॉज तो दिए कितने कम कर दिए, जंगल में बहुत थोड़े से ही रह गए, बाकी तो हर एक घर में वो खाल सजी भी होती है दीवार के ऊपर. जैसे मूवी चेक करें वो प्लास्टिक की होती है, यहाँ ताइवान से आती है बन के, उसके अंदर कुछ कोई स्किन मिन नहीं है. सर इसी से सर अगर हम बात करें, आगे बढ़े और बात करें चाइना की, चाइना काफी नाराज है पाकिस्तान से, जब से वो चाइनीज को जो है उसको उनके ऊपर अटैक किया गया था. तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सरप्राइज विजिट लिखा हुआ, पता नहीं सरप्राइज विजिट क्या होता है, तो वो सरप्राइज विजिट पे चाइना गए और साथ साथ उनके ISI के चीफ भी गए हैं. कहा यह जा रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पैगाम पहुंचा नहीं सकते थे, इसलिए ISI के चीफ भी गए मनाने को, क्योंकि चीन में उनके इंग्लिश एक्सेंट से कोई मुतासिर नहीं होता. चीन के जो फॉरेन स्पोक्समैन है, अगर आपको याद हो, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर हुआ करते थे और उस जमाने में अपना उनका नाम था मोहम्मद समथिंग, यू रिमेम्बर दैट. आज ही इज द सेम मैन हु इज द स्पोक्सपर्सन फॉर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं ये तो ऑनगोइंग होंगी ना, ये तो चाइना को भी पता चलेगा ना कि देर इज नॉट वन पर्सन इन बलूचिस्तान दैट कंसिडर्स देम एज वेलकम गेस्ट. आपने जो ग्वादर में वॉल बनाई है अपार्थेड वॉल, के पंजाबी गोरे चीने उस दीवार के इस तरफ और भूखे नंगे बलोच वो दीवार के उस तरफ, यू हैव कमिटेड अट्रॉसिटीज जिसका तारीख में लिखा जाएगा, वो इस्लाम के नाम पे और किसके कांधे पे, कम्युनिस्टों के ऊपर बैठ के. ये तो अल्लाह में भी इनको पकड़ के बैठेंगे, बोले हाउ डिड यू कंप्लीट दिस. वो कौम जो कह रही है कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, उनका मुसलमानों से ऐसा कुर्बत है कि उन्होंने कहा जफी पालो पाजे तुसी ते असी की हम. दैट्स द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड दीज आर द
इस्लामिस्ट एंड दे आर टुगेदर. इतना झूठा तो कुछ बन ही नहीं सकता किसी फैक्ट्री में. यू हैव टू हैव आर्टिफिशियल सम क्रिएशन के. और मुझे समझ नहीं आता ये जो लेफ्ट पूरी दुनिया में है ये सब आजकल मौलवियों के अंदाज से बात करते हैं. तो वी आर इन अ फ्लक्स. दुनिया भर में आप देखिए मीडियोक्रिटी है. चेंजेस बाइडेन को पता नहीं चलता बोल क्या रहा है. उसकी वाइस प्रेसिडेंट को देखिए वो कह के ही उसके ऐसे डर लग जाता है. शी लुक्स लाइक अ टोटल फूल. वो जो हैरिस है आप ब्रिटेन में देख लीजिए. यू नो देयर इज अ चेंज कमिंग आफ्टर ये जो COVID-19 जिसके अंदर लीडरशिप चेंज होगी. जर्मनी में हो रहा पूरा आप देखिए ये इकोलॉजिकल डिजास्टर आ रहे हैं. इन सबका फर्क पड़ेगा. लोग घरों से काम कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट शूट कर गई है आसमान पे. लोग यानी इन वेस्टर्न कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर प्रिंटिंग मनी टू गिव इट टू यू. यानी घर हर एक को $2,000 का चेक आ जाता अगर आप चाहें. वो तो और बात है हमारे लोग हर दफा तैयार होते हैं $2,000 लेने के लिए. सर हमारे लोगों ने दुबई में तबाही मचाई हुई थी. वो मुझे मैं गई तो बहुत कम वो टैक्सी वैक्सी मिल रही थी वहाँ मॉल में. तो वो कहने लगे पाकिस्तानियों को पहले सैलरी अलग मिलती थी, कमीशन अलग था और हाउस रेंट अलग था. तो ये क्या करते थे घर में सोए रहते थे और बस आ जाते थे हर फर्स्ट को कि जी लाओ सैलरी दे दो और बहुत थोड़ा सा कमीशन या कुछ होता था क्योंकि गाड़ी चलाई ही नहीं होती थी उन्होंने. तो बहुत से कंपनीज ने गाड़ियां बंद कर दी. तो इसलिए अब आप दुबई में जाएं तो आपको बहुत कम टैक्सियां मिलती हैं. वो कई कंपनीज बंद हो गई हम ही लोगों के करतूतों की वजह से. और फिर ये कहते हैं कि जी बेरोजगार हो गए और ये हो गए. अपनी हरकतें सही करने वाले नहीं है. लेकिन हमारी पैदाइश ही मुल्क की झूठ पे थी ना. यू कैनॉट बी आपकी फाउंडेशन झूठ पे. पाकिस्तान बनाया बंगाल ने. सोहरावर्दी को आपने मुल्क बदर कर दिया जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का. हाउ कैन यू डू दैट. आपने एक आदमी बॉम्बे से इलेक्ट होता है वो बात कर रहा है पंजाब की. एक लियाकत अली खान वहां पता नहीं चूड़ीदार पजामा पहन के नवाब बने बैठे हुए थे वो दिल्ली के पास क्या जगह हरियाणा में. वो आ गए वो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का. कैन यू इमेजिन कि जो पहले दो रेफ्यूजी आए एक गवर्नर बन जनरल बन गया और एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और आप लोग खुश सारे के सारे. तो झूठ जो है एंड द लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस यानी एक जो नेचुरल इंसाफ होता है ना. मैं मजहबी उसमें नहीं कर रहा. एथिकल मॉरल ट्रूथ जो है मॉरल वैल्यूज है दे आर एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान. तो यू कैनॉट प्रोड्यूस एनी थिंग गुड ओवर देयर. यानी आप फियट की फैक्ट्री में मर्सिडीज नहीं बना सकते ये समझ लें आप. यहाँ आपको फियट भी बनाएंगे तो जाली बनाएंगे वो जो पोलैंड में बनती थी पॉल्स की. वो बनाने की आपकी औकात है. यू विल ऑलवेज बी यूज्ड बाय पीपल हु आर गिविंग आउट मनी टू गेट देयर वर्क डन. तो यू विल बी अ टेररिस्ट कैंप फॉर पीपल. सारे आपके मैं भी किसी मेजर जनरल तारिक खान किसी को सुन रहा था. माय गुडनेस कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग. आई थिंक कि ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं आई थिंक इंटर करके जाते हैं ISSB और उसमें फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं और ये सब. आई डाउट इफ दे एवर रेड एनीथिंग एल्स अदर देन मिलिट्री जर्नल्स जो इनके क्वेटा में होते होंगे. इन्होंने सोक्रेटिस को तो नहीं पढ़ा होगा ना इब्ने खल्दून को पढ़ा होगा ना इब्ने रुश्द. तो खैर सर आपको याद नहीं परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू था उनकी मदर के साथ और वो कहने लगी कि दोनों बड़े जो भाई थे उनके या दो भाई जो और थे पता नहीं बड़े के छोटे कहते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. मैं सोची थी पता नहीं इसका क्या बनेगा. कहती फिर ये फौज में चला गया. तो अब उस पे इंसान रोए के हंसे. वो प्रेसिडेंट बन गया. वो कहती नहीं मेरी समझ नहीं आती थी पढ़ाई नहीं करता है पता नहीं क्या बनेगा इसका. मौजूद है वो इंटरव्यू हर जगह उनका. उनकी मदर का ये कहना था कि जो सबसे निकम्मा था वो फौज में चला गया. भाई सिर्फ इंटर पढ़ना होता है 12th ग्रेड. खैर आजकल पता नहीं पाकिस्तान में हर कोई AO लेवल कुछ करता है अंग्रेजों का. देयर इज नो मैट्रिकुलेशन आई हैव हर्ड. नहीं नहीं है कुछ स्कूल में है. गरीबों माली के बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो आई नेवर न्यू एनी अदर. ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी एजुकेशन सिस्टम का जो मेजरिंग पैमाना है वो उसके पुराने कॉलोनियल पावर का.
हाउ डू पीपल एक्सेप्ट दैट? हमारे यहां चाहे मैं 60s की बात कर रहा हूं, वेदर यू वर द रिचेस्ट मैन और द पुअरेस्ट, यू हैड टू डू मैट्रिक टू गेट इन टू कॉलेज, और किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। हमने तो कॉलेज में आके देखा है वो बच्चे जो स्पंज की चप्पल पहन के आते थे कॉलेज पैदल घरों से। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट द रियल पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई वाज शॉक्ड, इनके पास जूते नहीं है। वो फर्स्ट डिवीजन के लड़के थे, आदमजी साइंस कॉलेज में दाखला जरा मुश्किल से मिलता था। दे हैड क्वालिफाइड, मेनी ऑफ देम रोज एंड बिकेम ग्रेट साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ये वो। बट हम ने इलीट ने पकड़ के एओ लेवल कर दिया। व्हाट अ डिसग्रेस। और प्राइवेट स्कूल्स में कोई बच्चा फेल ही नहीं होता, हर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा होता है, बस सबके अच्छे ग्रेड्स आ रहे होते हैं, पैसे लेते हैं और ग्रेड दे देते हैं। देखिए आप, यहाँ हमारे यहाँ इस्लामिक स्कूल्स बना दिए कनाडा के अंदर, उसके ग्रेड 12 में आपको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं माशाल्लाह कि ये बेचारे बेवकूफ गोरे समझते हैं कि द एजुकेशन इम्पार्टेड इन इस्लामिक स्कूल्स इज अबव एवरेज। ए भाई, हमसे आगे बताओ, हम बताएंगे कैसे मिलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल एग्जाम नहीं होता, हर स्कूल का अपना ग्रेड 12 का रिजल्ट होता है, एंड उस कैटेगरी से फिर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। बजाय इसके कि आपके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़े और कुछ करें, उनको वाया भटिंडा ले जाके आपने इस्लामिक स्कूल में डाल दिया। वहां पढ़ाया जा रहा है कि सिख जो हैं उस वक्त तक नहीं बाल काटेंगे जब तक सारे मुसलमान मर ना जाए। ये मुझे एक स्टूडेंट ने घर में बहस करके बताया कि अंकल ये तो सिख हैव टू टिल द हेयर, दे आर नॉट गोइंग टू कट देयर हेयर टिल ऑल मुस्लिम्स डाई। अरे कहां से ले आई भाई तू ये, स्कूल में पढ़ा है ये कनाडा के अंदर? उसकी माँ इतनी खुशी से देख रही थी बेटी को, देखा। So, आप के बाद इस तरह की जाहिर है, जहां पे एजुकेशन लेवल ये होगा तो चाहे कनाडा चले जाएं या अमेरिका, उनकी मेंटेलिटी तो वही रहेगी ना जो है। Until and unless you embrace rationalism, you cannot progress at all. आपको तो पूछना पड़ेगा ना, एक नॉर्मल बच्चा के बुराक क्यों गया, बत्तख क्यों, घोड़ा क्यों गया, बत्तख पे क्यों नहीं गए रसूलल्लाह? एक नेचुरल सवाल है, उसकी तो वो धुनाई होगी घर के अंदर, और मौलवी साहब भी कान से पकड़ के वो भी पिटाई करेंगे। अभी मैंने किसी को कहा कि वो कहने लगे कि जी पढ़ाई करने का कहा गया कि तालीम हासिल करो चाहे चाइना जाना पड़े, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था। वो कहते हो कैसी बातें कर रही हो, ऐसा बनाया कि हिंदुस्तान जो चीन से कोई 2000 साल पहले से मैथमेटिक्स फिलोसफी हर जगह था, उन्होंने कहा वहां वहां जाना, उस तरफ में आ जाइयो, उसको दूर से सलाम। सर लास्ट में आपके आर्टिकल की बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत आपका आर्टिकल है जो क्लाइमेट के ऊपर आपने लिखा है, तो क्या लग रहा है आपको सर, कोई इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई कंट्री भी जो है खास इस पे काम करती नजर नहीं आ रही, जबकि जो अब चैलेंज है वो एक्चुअली यही है, क्लाइमेट का ही चैलेंज सबके सामने है। देखिए वो इसलिए कि हम जो सोसाइटी सेल्फिश नहीं होती वो बच्चों का देखती है ना आगे, हम देखते हैं कि इस पे हमारा असर, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि लियारी नदी का रास्ता किस तरफ कर दें या कौन सा दरिया कहाँ कर दें। मैं आपको एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल कहता हूँ। सपोज करें कल काबुल रिवर पे डैम बन जाता है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? पाकिस्तान ने आज तक जो वर्सक डैम और इन लोगों से सिंध के अंदर बर्बादी लाई है, मंचर लेक जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेक फॉर ट्रांजिटरी बर्ड्स, जो वो रशिया से फ्लाई करते हुए यहाँ रुकती हैं। आपको पता है कि सिंधी जबान में परिंदों के सबसे ज्यादा नाम है, हर लैंग्वेज में सिंधी इज द टॉप इन नाउन्स एसोसिएटेड विद बर्ड्स, वो बर्ड्स ही नहीं अब आती हैं। वो लेक्स जो विच फेड द सराउंडिंग एरिया हैव ड्राइड अप।
माउंटेन्स आपके जो हैं ग्लेशियर्स रिसीट कर रहे, कहाँ जाएगा ये पानी, आता ही रहेगा क्या? अच्छा फ्लड्स जहाँ आते हैं आप यूरोप में देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंडीशन हो गई, 300 आदमी मर गए, और यहाँ कनाडा में 50 डिग्री टेम्परेचर, जस्ट इमेजिन। मैं सिब्बी में आई हैव डन वर्क ओवर देयर, 42 डिग्रीज होता है, झुलस के आदमी मर जाए, काले चश्मे पहने कुछ करे, यहाँ कनाडा में 50 डिग्री टेम्परेचर। और वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो आगे लगी हैं कैलिफोर्निया साइड पे, उसकी एशेस टोरंटो और न्यूयॉर्क पे गिरी, यहां के सांस नहीं ले पा रहे आप। तो तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ऐसे बढ़ेगी। हमारा जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव है, हम तो मौत के वो हैं ना, इश्क करने वाले, कि दुनिया तो आनी जानी है, फानी है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगले जहां में जाएंगे सब। बट द रियलिटी इज के पीपल आर गेटिंग सिकर एंड सिकर। वो और बात है कि मेडिकल इलाज भी उतने लेवल से प्रोग्रेस कर रहा है कि एस्मा, जो एक जमाने में एस्मा होता था, पीपल वुड सिंपली कोलैप्स। अब ऐसे पंप्स आ गए कि आप मुंह में रख के यू प्रेस इट एंड यू, हमने नहीं याद किया, लेकिन ये पोल्यूशन, ये राइजिंग जो वाटर है, अब मालदीव्स डूब जाएगा तो कहाँ जाएंगे वहां के लोग? वो भी आपका पड़ोसी इस्लामी मुल्क ही है ना, तो कुछ तो सोच लो, कभी तो देखो कि क्या होगा, कैसी हरकतें कर रहे हैं। बंगाल के अंदर, डू यू नो बांग्लादेश इज टुडे द लीडिंग कंट्री इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। वो हमारी, हम भूखा बंगाली उसको कहते थे, वहां दे हैव डेवलप द बेस्ट वेज ऑफ काउंटरिंग कैजुअलिटी, कि कैजुअलिटी ना हो। उनका पहला था कि फ्लड आए, साइक्लोन आए, हर बच्चे के पास प्रैक्टिस, आईफोन से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या करना है अगर फ्लड आए, कैजुअलिटीज रिड्यूस करने की। इतनी समझदार लीडरशिप है, ऐसे नहीं, वो दे आर अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन प्रोग्रेस। बट इफ वी politicize this, कि ये सियासी पार्टियों का मसला बन जाए, तो then we have lost the game। हमारे यहाँ बदतमीजी वेस्ट में ये है कि वो लेफ्ट राइट का चक्कर चल रहा है। अब वो ग्रेटा आई क्लाइमेट चेंज में, वो $1 million किश्ती में जा रही हैं कि मैं एयर फ्लाइट नहीं करती हूं। अरे भाई, वो किश्ती कहां से आ गई? तू अटलांटिक में समुंदर जा रही, ये बच्चों के हाथ में खेल दे दिया, बोलो क्लाइमेट चेंज। दिस इज साइंटिस्ट और एकेडमिक्स का काम है कि वो क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस इंटेलेक्चुअल, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के अलावा इसमें भी मजहब मत डाल देना कि दुनिया तो आनी जानी है, फानी है, और खाम खा का लिखा है जो लिखा है। तो भैया फिर मत भेजो बच्चों को स्कूलों में, बोलो लिखा है, जो होगा सो होगा, मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाएगा इस चक्कर में। We have to take a rational approach। अब पाकिस्तान में देखिए, बड़ा क्राइसिस है सिंध के अंदर, क्योंकि पंजाब में सेम थूर का वाटर जा रहा है इंडस के अंदर। हमने ट्यूबवेल लगाए हैं बगैर ये सोचे कि इसका असर क्या होता है। सारा दरियाओं का पानी जो हजारों साल से मोहनजोदारो की तरफ से होते हुए नीचे जा रहा था, वी आर ऑल्टरिंग द कोर्स। दरियाए सिंध को हैदराबाद से कोटरी क्रॉस करने के अंदर, आई एम टेलिंग यू ऑफ द 50s व्हेन आई वाज जस्ट अ चाइल्ड, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू क्रॉस इट। ऐसा लगता था समुंदर है। लास्ट टाइम व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, उन्होंने कहा कि इट इज बिकम अ नदी। पुल उतने ही बड़े हैं सक्खर बराज और कोटरी और हैदराबाद का, लेकिन दरिया नीचे जो है वो सुकड़ गया बिल्कुल। ये एक दरिया होता था सरस्वती, वो भी खत, जैसे वो ड्राई आउट हो गया तो कल को इंडस गायब हो गया, तो आपका तो खत्म हो गया सब कुछ। सो इसको एक तो एकेडमिक्स और साइंटिस्ट के हवाले करनी चाहिए बात, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू फॉर वंस रियलाइज कि कुछ लोगों का काम है सियासत करना, कुछ का है साइंटिस्ट, और इन दो को मिलाएं नहीं। ये ना करें डॉक्टर सलाम का फट्टा उतार के फेंक दें आप, जो आपके यहाँ, चाहे वो दहरिया भी हो,
चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, इफ देयर इज एन एकेडमिक एंड अ साइंटिस्ट हू इज वर्किंग ऑन इट, ही और शी शुड कोलैबोरेट ऑन दैट. हम उस पे आते ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड के अंदर के जहां हम कोलैबोरेशन सीख सकें कि ये मसला है हमारी फ्यूचर सिविलाइजेशन का. हम तो एटम बम की ऐसी बात करते हैं कि पोखरे वाला बम और यहां मार देंगे तो उतने मर जाएंगे, हमारे बम मारने से मुसलमान नहीं मरता. इस टाइप की द न्यूक्लियर थ्रेट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. डीन्यूक्लियराइजेशन पे आप देखिए सोवियत यूनियन और अमेरिका के फैसले होके थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर डीकमिशन्ड. बातचीत करके कोल्ड वॉर के जमाने में किया ना, प्रोग्रेस हुआ. गोर्बाचोव उस वक्त रेगन भी था लेकिन बाद में उससे पहले भी बातें हुई निक्सन की व्हेन ही वेंट टू चाइना. बट वी आर रिफ्यूजिंग टू टॉक टू इंडिया अबाउट डीन्यूक्लियराइजेशन. इंडिया से तो ये सिवाय कश्मीर के किसी चीज पे बात करने को तैयार ही नहीं है. झूठ बोलते हैं. इनमें से एक आदमी को कश्मीरी जबान नहीं आती और एक इंडिया में किसी नहीं है जिसको ये पता हो कि इनके कश्मीरी नहीं है. जितने ये दादागीर पाकिस्तानी बनते उतने ढीले इंडियन है. वो कहते हैं चलो यार फिर कर लेंगे बात यार. ऑनेस्ट टू गॉड उनके बार बार इन्फिल्ट्रेशन, ये मारपीट, टेररिस्ट अटैक असेंबली पे, बंबई पे, कहां कहां नहीं किया, वो फिर माफ कर देते कि चलो यार कारोबार तो करना ही होता. वी आर स्ट्रेंज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल हु डोंट सीम टू अंडरस्टैंड. इसमें शरारत तो पाकिस्तान की है बेसिकली कि वो बाजू काट दिए भारत के जो मुंजुदारों के जमाने से एक सरजमीन है. पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन हर जगह कंट्रीब्यूट कर रहा हिंदुस्तान. इन्होंने कहा नहीं हम नहीं, हम नहीं करने देंगे ये, हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, लो कर लो. लेकिन तब भी सर आज भारत को देखे वो तो वैक्सीन तक बना रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम उससे भी सबक नहीं सीख रहे. लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक हिंदुस्तान में लोगों को कैटेगराइज आप करेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, सारी प्रोग्रेस बेकार है. अव्वल चीज जो इस्लाम या मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है वो है बड़े छोटे का इम्तियाज मिटाना. हमारी जो सोशल जस्टिस की कल्चर है मुसलमानों का, इट इज रिमार्केबल. ये इतनी डफर लीडरशिप है हमारी कि हम जिस चीज को प्राइड से प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बजाय हम बिन लादेन प्रेजेंट करते थे. यू कैन नॉट फाइंड अ पीपल मोर इनग्रेन्ड विद जस्टिस इन देयर माइंड, सोशल जस्टिस हर चीज के अंदर. आप कहीं और जाएंगे लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मैं कोई ऐसा मुस्लिम फनाटिक नहीं हूं, बट आई हैव सीन द कैरेक्टर ऑफ पीपल हु हेल्प अदर पीपल चुपके. आई डिडंट नो व्हाट दे वर डूइंग बट दे वर डूइंग गुड. मैंने तो सर अभी एक वीडियो बनाई थी अवर नेशनल हीरो पे और उसमें मैंने बताया था कि कौन हमारे असल में हीरो हैं और हम किसको मानते हैं, गौरी और अजनबी ये हीरो नहीं. उसके ऊपर जो मुझे लोगों ने बुरा भला लिखना शुरू किया है, गद्दार और ये और वो, पता नहीं क्या, मैंने भी स्क्रीनशॉट बना के ट्विटर पर लगा दिया. तो वो ये तो हाल है लोगों के दिमाग का कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में. दे विल हैव नो चॉइस इन द एंड. ये देखिए खून रेजी में बना था, ये खून रेजी में बिखरेगा. ऐसे कोई मुल्क आपको पता है जो इतनी बर्बादी में पैदाइश हो जिनकी, जिनके लीडर वहां के थे ही नहीं. यानी कि कोई समझता नहीं है क्या लाहौर में, या सब गन्ने का जूस पी के सो जाते हैं, लस्सियां पी के. यू वर नॉट पार्ट ऑफ इट्स मेकिंग. आपने अच्छे भले पंजाब को और बंगाल को छुरियों से मार के, जहां हिंदू मुसलमान एक साथ रहता था, आपने काट के टुकड़े कर दिए उसके. पहले अंग्रेज ने 30s में टेस्टिंग की के जो बंगाल को डिवाइड किया, पार्टीशन पहले अंग्रेज ने टेस्ट किया. इसके अंदर आपके आगा खान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज को क्या रेकमेंड किया, यू विल बी शॉक्ड. वो मुस्लिम लीग के बाप थे ना, उन्होंने कहा ये ब्रिटिश कॉलोनीज जितनी भी हैं
मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, इनको इंडिया में आप इंक्लूड कर दें, इससे हिंदू पॉपुलेशन गिर जाएगी। दिस आई हैव हिज बुक वेयर ही हैज रेकमेंडेड दिस, इसलिए ये इस आगा खान के फॉलोअर बड़े एकदम चिढ़ाते हैं। वन ऑफ द मेन विलन्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया वाज द आगा खान, इन हाउ ही मेड द मुस्लिम लीग एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, एंड देन रीटा हेवर्थ और जिससे चाहे मर्जी शादी कर लें, वो कर लें, वो हीरो बन गए और यहाँ छोड़ छाड़ के सब निकल गए। नहीं, उनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा, उनके फॉलोअर्स तो मुझे अबू बताते थे, मेरे फादर ने बताया था कि वो उनके दोस्त थे सफदर अली कुरैशी, शायद आप जानते हो, तो उन्होंने वो आगा खान आए थे तो वो कोई साइन करना चाह रहे थे, पता नहीं कोई बुक था कोई पेपर क्या, तो उन्होंने पेन दिया था अपना, तो वो सारे जो फॉलोअर थे उनके यहाँ पे पीछे लग गए थे कि जितने मर्जी पैसे ले लो ये पेन हमें दे दो, तो वो तो इतना ज्यादा उनकी बात को सुना और माना जाता है। दिस इज प्रिमिटिव बिहेवियर ना, ये वो लोग जो किसी एक शख्स को अपने से ऊपर समझते हो, चाहे कास्ट में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे अहमदी हो या कैसे भी हो, जमात इस्लामी के तो फिर भी थोड़ा सा उसमें, बाय द वे आई एडमायर देम कि उनमें इक्वालिटी का, ये सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है जमात में, maybe because of the teachings of Maududi, which in this late age I find that he was very sane, unki tafsir padhne ke layak hai, but anyway hum patri se utre hue hain ki hamari zindagi ka goal kya hai, aur hum ek dekhiye Aga Khan ka island hai wahan wo reh raha hai, wo keh raha hai main prophet ki aulad se hu, are bhaiya ye sare Qureshi sare Hashmi mar gaye, ek bacha प्रिंस, अरे भाई तू प्रिंस है तो किंग कौन है मुझे ये तो बता दे, हर प्रिंस का वो किंग होता है ना, आई हैव ऑफन आस्क्ड वेयर इज योर किंग, दे जेन्युइनली बिलीव दैट ही इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और ये पैसे भी जमा करते हैं अपने लोगों से ये कहकर के हम तुम्हारा जन्नत में घर बना रहे हैं, मेरे मामू के एक दोस्त हैं और वो खानी है, तो उनको कहा कि और पैसे दो तो तुम्हारे घर के बाहर खजूर का दरख्त भी लगा देंगे, उन्होंने कहा मैं और पैसे नहीं दे रहा, मैं बगैर खजूर के दरख्त के रह लूंगा, तो यार खजूर आम का दरख्त होता है, खजूर का दरख्त क्या करेंगे, अमरूद का होता है उसको फिर हम कहते हैं सीताफल, आपको पता है कि अमरूद का पाकिस्तान में पुराना नाम होता था सीताफल, अच्छा हाँ 50s तक, फिर लोगों को याद है वो केड़ी सीताफल सीता, ओ नो नो नो, उसको काट पीट के सीताफल गॉट इरेडिकेटेड, सीताफल बिकते हुए मैंने देखा कराची में, उनका नाम बदल के उन्होंने कहा ये अमरूद की औलाद सीताफल का। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह आपको आम का दरख्त आपके घर के आगे निकाले, आम का दरख्त था मेरे नाना के घर में था, कटवा दिया उन्होंने, कहते सारे वक्त मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार मार के आम तोड़ते। अरे वैसे बड़ा जल्दी उगता है, और हमारे जो मौलाना साहब थे जिन्होंने कुरान मुझे पढ़ाया, उनके हम चोरी करते थे केरियां, तो उन्होंने एक सारे पश्तून थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला पत्थर मत मारो चढ़ जाओ इस पे, तुम लोग क्या जिंदगी बर्बाद, ये दरख्त क्लाइमेट अच्छा, फिर मुसीबत के ऊपर बच्चे चढ़ के फंस जाते थे, उतर नहीं पाते थे केरिया खा खा के, बट एनीवे लाइफ वाज सो ब्यूटीफुल इन पाकिस्तान व्हेन द साउदीज वर नॉट देयर, बिलीव मी, बड़ी प्यारी जगह थी, मिस करता हूँ। चलिए जरूर आए सर, आप कभी मौका मिले तो जरूर आइए, इस्लामाबाद आइए, बी माय गेस्ट, आपका अपना घर, चलिए देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।